सोशल मीडिया पर ये तस्वीर काफी शेयर की जा रही है। तस्वीर में दिख रही एयर होस्टेस को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की बेटी स्वाति कोविंद बताया जा रहा है। साथ में ये दावा किया जा रहा है कि टाटा कंपनी के एयर इंडिया पर मालिकाना हक हासिल करने के बाद स्वाति का ट्रांसफर ग्राउंड ड्यूटी में कर दिया गया, लेकिन कभी भी इनकी वास्तविक पहचान इन्होंने खुद उजागर नहीं की। चुपचाप अपनी नौकरी पूरी दक्षता से करती रही। कई फेसबुक पेजों ने ये तस्वीर इसी दावे के साथ पोस्ट की। ट्विटर पर भी ये तस्वीर इसी दावे के साथ शेयर की गई है। तो क्या वाकई में तस्वीर में दिख रही महिला राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की बेटी है, और क्या हाल ही में उनका ट्रांसफर किया गया है? इस दावे की असलियत का पता लगाने के लिए ऑल्ट न्यूज ने रिवर्स इमेज सर्च किया। हमें वायरल तस्वीर से मिलती जुलती तस्वीर 2006 में गेटी इमेजेस पर पोस्ट की हुई मिली। दोनों तस्वीरों में दिख रही एयर होस्टेस एक ही है। ये तस्वीर 6 नवंबर 2006 को नई दिल्ली में बोइंग 737-800 कमर्शियल जेटलाइनर की डिलीवरी के वक्त की है। तस्वीर के साथ एयर होस्टेस का नाम नहीं बताया गया है। अब बात करते हैं स्वाति कोविंद की। सर्च करते हुए हमें 2017 की कई मीडिया रिपोर्ट्स मिली जिसमें स्वाति के ट्रांसफर की बात बताई गई है। खबरों के मुताबिक रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति बनते ही स्वाति को एयर इंडिया के हेड ऑफिस के कोऑर्डिनेटर डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया था। ऐसा उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स में स्वाति कोविंद की तस्वीरें भी शेयर की गई हैं। इन तस्वीरों को देखने पर साफ मालूम हो जाता है कि वायरल तस्वीर में दिख रही एयर होस्टेस स्वाति कोविंद नहीं है। इसके अलावा जनवरी 2022 में टाटा ग्रुप को ऑफिशियल तौर पर एयर इंडिया का मालिकाना हक मिला था, जबकि स्वाति कोविंद को सुरक्षा कारणों की वजह से साल 2017 में ग्राउंड ड्यूटी पर लगाया गया था। इसलिए ये दावा गलत है कि हाल ही में स्वाति का ट्रांसफर किया गया और वायरल तस्वीर में भी स्वाति कोविंद नहीं है।